हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, यानी बच्चों जब कभी किसी कंडक्टर में, किसी सॉल्यूशन में, यानी कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखिए, हम दोनों केसेस ले सकते हैं। हम ले लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो एक बार फ्लो हो रहा है कहाँ पर, सॉलिड में, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है लिक्विड में, तो इसकी वजह से क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने बना लिया एक सर्किट जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एक लिक्विड में, ओके। और ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है सॉलिड में। अब बच्चों, इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये जो वायर है सबसे पहले तो ये हीट अप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है जिसकी वजह से ये हीट हो जाता है। और दूसरा, जब कभी भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और तब तक बिहेव करता है जब तक कि करंट फ्लो हो रहा है। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको सॉलिड में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें कहाँ पर, एक लिक्विड में, यानी हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, जैसे हम बात करें यहाँ पर हमारे पास डिस्टिल वाटर है, और डिस्टिल वाटर में हमने कॉमन सॉल्ट मिला लिया जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन में आयंस हो जाएंगे, और उन आयंस की वजह से आसानी से इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा बच्चों तो हम देखेंगे एन नंबर्स ऑफ यहाँ पर केमिकल चेंजेस होंगे, यहाँ पर एन नंबर्स ऑफ केमिकल चेंजेस होंगे। जैसे कि एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जहां पर हम ये देख सकते हैं कि जब किसी लिक्विड में करंट फ्लो होता है तो वहां पर केमिकल चेंज होता है। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।